क्या आप एक सेकंड हैंड बाइक परचेज करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं तो यार ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्यों? Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं अपनी फैमिली? Finally, I'm back with the video. आज मैं हूं करोबाग मैत्री मोटर्स के पास और मैं आपको आज दिखाने वाला हूं स्पोर्ट्स सेगमेंट की सारी सेकंड हैंड बाइक्स जो कि फॉर सेल है। एक काम करते हैं, भैया से बात करते हैं, पूछते हैं कौन कौन सी बाइक्स हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं। तो भैया एक चीज बताओ, आज हम कौन कौन सी बाइक्स दिखाने वाले हैं इस वीडियो में? हमारे पास नेकेड बाइक्स का बहुत अच्छा सेगमेंट है, लेस ड्रिवन बाइक्स है सारी। अच्छा, एंड नेकेड मॉडल्स भी हैं, वो भी सारी लेस ड्रिवन है और स्पोर्ट्स मॉडल हैं। जो भी आप बाइक देख रहे हो वो भी लेस ड्रिवन बाइक, मतलब मेन कंडीशन वाली बाइक होने वाली है, अल्टीमेट कंडीशन नई जैसी बाइक्स है। चलो यार एक काम करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं सारी बाइक्स, कौन कौन से मॉडल्स हैं, कितना प्राइस है, कितनी चली है, टायर की कंडीशन क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो भैया शुरू करते हैं, फिर पहली बाइक कौन सी होने वाली है अपने पास? हाँ, ये जिक्सर SF गाड़ी चली 900 किलोमीटर। कितना? 900 किलोमीटर चली है, 2019 मॉडल है। अच्छा, एंड सुजुकी कंपनी का बहुत सारा हमारे पास स्टॉक आया था जो कि सुजुकी कंपनी के ही नाम पे है, सुजुकी मोटर्स लिमिटेड के नाम पे। अच्छा, जो कि डिस्प्ले की बाइक्स है, अनयूज्ड बाइक्स है। ओ भाई ये तो नई हो गई, अब नई पे इतने पैसे को डालने जब आपको सेकंड हैंड बाइक इतनी बढ़िया 50-60 और 70 हजार तक का डिस्काउंट में मिल जाएगी। ओके, तो अगर इसके टायर की बात करें यार, 900 किलोमीटर चली हुई है तो टायर के क्या है कहने, बिल्कुल मेन कंडीशन के टायर है, मेन कंडीशन की बाइक है, एक स्क्रैच नहीं है पूरी बाइक में। बाकी थोड़ी बहुत बाइक्स गंदी हो सकती है क्योंकि यार पूरा ओपन एरिया है और आज मंडे है, तो यार आज हम शूट कर रहे हैं क्योंकि आज करोलबाग थोड़ा मंदा चलता है, बंद रहता है। तो भैया अगर हम अगली बाइक की बात करें तो अगली कौन सी होने वाली है? नेक्स्ट वन इज RC 200 BS6 मॉडल है। अच्छा। नए ग्राफिक्स में है, जो शाइनी फिनिश में आती है गाड़ी, नया मॉडल में है, BS6 और चली है 1200 किलोमीटर। भाई क्या करके मानोगे आज? ये आगे 900, ये 1200। तो भैया एक चीज बताओ, ये कौन सा मॉडल है? 2020, मतलब सारी टॉप एंड बाइक्स आज अपने पास है। 20 और 21 भी मिलेंगे, अगर 19 भी मैं आपको दूंगा तो मैं आपको 1000 से नीचे चली हुई वो दिखा दूंगा। तो भैया ये 1000 से नीचे वाली जो बाइक्स होती हैं ओनर्स चलाते नहीं है, सिर्फ शौक के लिए रखते हैं, क्या चीज होती है? सबसे बड़ी बात है कस्टमर के माइंड में ये आता है कि यार ये बाइक तो कहीं मीटर टेम्पर तो नहीं होगा। सबसे पहले अभी यही सोच रहे होंगे कि ये 900 दिखा रहा है, 1200 दिखा रहा है, तो आप इस गाड़ी के नंबर्स जो है इस पे फ्लैश हो रहे हैं, आप नंबर चेक करा सकते हो गाड़ी। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अनडाउटेडली आप उसको चेक करा सकते हो, उससे कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो ठीक है, फिर अब और आगे चले तो यहाँ पे RC एक और खड़ी है अपने पास, ये पुराना वाला मॉडल है 2018 मॉडल BS4। अच्छा, काफी ऑन डिमांड है अभी BS4 क्योंकि इसका पिकअप अच्छा रहता है काफी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। बाकी इसका क्या डिमांड? 2018 मॉडल है, 8000 चली है। हाँ। और 155,000 रुपए की है। ठीक है, तो अब हम प्राइस बताते रहते हैं भैया, इसका एक बार प्राइस अगर आप बताना चाहो, ऑन रोड कितनी है और आप कितना? ये 153,000 रुपए की है। ठीक है, डिमांड हमारी 115 है। ठीक है, बाइक सिर्फ 900 किलोमीटर चली है और आपको इतनी सस्ती मिल रही है, अगर इसकी बात करें तो सर इसका बताइए। ये 1,85,000 डिमांड है। अच्छा, और नई 245 की है, मतलब ये भी मतलब भाई आप 50,000-60,000 कम में दे रहे हो, बाकी जो बेस्ट होगा कर देंगे। गाड़ी के दोनों स्पेशल नंबर है, 9988 1515 स्पेशल नंबर है, और ये भी 6260 अच्छे नंबर है, VIP नंबर है। अगर हम इसकी बात करें ये RC 200, इसका 155,000 डिमांड, 155,000। बाकी सारी बाइक्स मेन कंडीशन की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप वारंटी भी देते हो थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल, 1 month वारंटी हमारी तरफ से रहेगी, इंजन बैटरी चेन सेट वगैरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बढ़िया है, बाकी अगर हम आगे हैं तो आगे भी भाई बढ़िया डिमांड वाली बाइक, सारी बाइक्स वही हैं जो बढ़िया डिमांड में रहती हैं। नेकेड बाइक पीछे खड़ी है, स्पोर्ट सेगमेंट सारा हमने आगे लगा रखा है, तो सर इसके बारे में अगर आप बताना चाहो। ये 2020 है, R15 V3 जो की हमारे पास सबसे ज्यादा पीछे सेल हुई है। हाँ। पिछले लास्ट मंथ में हमारे पास 18-20 बाइक थी। अच्छा, अभी मेरे पास आई थिंक 5 या 6 ही रह गई है स्टॉक में। बाकी बाइक की कंडीशन तो ये 3000 चली है सर, 3000 चली है, दोनों चाबियां हैं, 5 ईयर इंश्योरेंस है, स्लाइडर लगे हुए हैं बाइक में और कुछ फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं। ओके, मतलब थोड़ा बड़ा काम लोग करवा के देते हैं। हाँ जी, लगी हुई है सामान। RR 2019 मॉडल है। हाँ, एंड दिसंबर की है, चलिए 2700 किलोमीटर। 2700 किलोमीटर, बाकी मेन कंडीशन जी, अभी रिसेंट सर्विस हुई है बाइक, सर्विस भी नहीं करानी पड़ेगी। ओके, तो यार अगर आपको ये सब बाइक्स लेनी है या किसी कोई भी बाइक देखनी है तो आप मैत्री मोटर्स पे आ सकते हो, ये करोलबाग में यहीं पे बैठते हैं, कहीं से नहीं आना, कहीं से पकड़ के नहीं लाना, आपको डायरेक्ट यहीं पे आना। तो भैया अगर हम और आगे हैं, ये है 2018 मॉडल है, 10K चली है। हाँ, और प्राइस इसका आस्किंग 155,000 रुपये है। ठीक है जी, और बाकी आपको मैं बता देता हूँ एक चीज़ स्पेशली कि आजकल जैसे लोग फाइनेंस फैसिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हमारे पास फाइनेंस फैसिलिटी बहुत अच्छी है, अवेलेबल है। पैन इंडिया नहीं है, बट पैन इंडिया आप उसको बना सकते हो, अगर आपके दिल्ली में गारंटर हैं, दिल्ली में आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, गारंटर्स हैं, अच्छी
बातचीत के साथ रिलेशन है तो आप गाड़ी फाइनेंस करा सकते हो। ठीक है, बाकी दिल्ली का गारंटर चाहिए होगा। ठीक है, तो भैया एक चीज जो लोगों के दिमाग में आती है कि अगर बाइक 10,000-12,000 चली हुई है तो ऐसा तो नहीं है कि बाइक खराब होती है या ओनर ने उसको अच्छे से नहीं रखा होता, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? मेंटेन्ड बाइक्स होती है, हम भी पूरी टेस्ट करके बाइक लेते हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे मैकेनिक्स हैं जो पूरी गाड़ी को पूरी हम लोग टेस्ट करते हैं और उसके बाद ही लेते हैं प्रोफेशनल तरीके से, फिर उसके बाद हम लोग अपने डिस्प्ले पे लेते हैं। तो यहाँ पे एक R15 भी है, तो भैया R15 तो दो हो गई, तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये R15 V3 ये है 20 मॉडल BS6 अगेन। ठीक है, गाड़ी चली है 5,000 किलोमीटर। ओके, एंड डिमांड इसकी 1.5 लाख रुपए है। तो भैया इसका इंश्योरेंस का बताओ। फाइव ईयर इंश्योरेंस, सारी बाइक्स का तो 5 ईयर इंश्योरेंस ही आता है, बाकी ये फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड क्या है, क्या थोड़ा बहुत बताओ। फर्स्ट ओनर बाइक्स है, सारी फर्स्ट ओनर बाइक्स है, ये मैंने ज्यादातर सारी बाइक्स हमारे पास फर्स्ट ओनर ही होती है। ठीक है, पर अगर सेकंड ओनर भी है इसमें कोई इतनी वो वाली मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, स्टेशन वाली बात नहीं होती, गाड़ियां चली बहुत कम होती है। ओके, तो हम और आगे हैं, तो यहाँ पे एक और R15 खड़ी है, ये तो बिल्कुल नई लग रही है जी, ये भी बिल्कुल 2020 मॉडल है विद द स्पेशल नंबर 3003। ओहो, क्या बात है। तो अगर इसकी डिमांड की बात करें 1.5 लाख रुपए डिमांड है। अच्छा, चली गाड़ी 500 क्या 500 चलिए जी। तो यार 500 किलोमीटर बाइक चलिए, मुझे पता नहीं लगता या समझ में नहीं आता कि भाई बाइक क्यों लेते हैं बंदे, बट जो जिसको शौक होता है। नई नहीं लेंगे तो हमारे पास सेल आउट के लिए कैसे आएंगी सेकंड हैंड बाइक्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये तो है, बाइक बिकनी भी जरूरी है। तो इसकी डिमांड की क्या बात करें? ये 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख, और नई कितने की है? नई का प्राइस जो है इसका 183 अराउंड है। 183, तो मतलब 30,000-40,000 कम में आपको ये बाइक्स मिल जाएंगी। बाकी थोड़ा सा नेकेड में भी देख लेते हैं। नेकेड मॉडल में मेरे पास M315 है 2020 मॉडल। अच्छा, ये है सुजुकी जिक्सर F5 250। अच्छा, 2020 मॉडल BS6। ठीक है, हाँ जी, गाड़ी चली है 300 किलोमीटर। अच्छा, ये चली है 5,500 किलोमीटर। ठीक है, और प्राइस इसका जो मेरा डिमांड है वो है 1,45,000। ठीक है, और उसका जो डिमांड है 1,55,000 है, वो अराउंड 2 लाख के आसपास नहीं है। तो यार लास्ट की अब 3 बाइकें रह गई, तो भैया इनके बारे में आप बताना चाहो कुछ। 3 बाइक्स की अभी कवर कर लेते हैं। और एक्सी ये है 2020 मॉडल है। ठीक है, इसमें मेरे पास 19 मॉडल भी मिल जाएगी स्टॉक रूम में, और उसमें मेरे पास 19 में ब्लैक कलर भी है, ग्रे कलर भी अवेलेबल है। ये 2020 है, चली है अराउंड 3000 किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, अभी ये 6 है। हाँ, और डिमांड इसकी 1,05,000 है। ओके, और नई कितने की आती है? नई गाड़ी 136-137 है। ओके, डोमिनार जो इनके पास है वो कहाँ से खरीदी थी ये बता देंगे। मैं बता देता हूँ, तो यार डोमिनार 400 मैंने भैया से ली थी, बाकी मिंट कंडीशन की बाइक और बढ़िया प्राइस में भी मेरे को मिली थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। हम जहाँ की वीडियो बनाते हैं ना, हम टेस्ट एंड ट्रायल कर लेते हैं कि भाई बंदे का क्या रिकॉर्ड है, बंदे के हमसे क्या रिलेशन है। तो भैया अगर आप बताना चाहो इन दोनों डोमिनार का। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। उस पर आप अभी तक कितने टूर्स कर चुके हो? मैं उस पर 5 टूर कर चुका हूँ। स्पीति वैली हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और उसके बाद मेरा अभी लद्दाख भी जाने का सीन है, और मुंसियारी, मतलब काफ़ी दूर दूर तक कर चुका हूँ। मतलब भैया से मैंने ली थी वो शायद 7,000 किलोमीटर चली हुई, और अब वो चल चुके 20,000 किलोमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है बाइक में, सर्विस बढ़िया कराते रहो और बढ़िया चलाते रहो। तो भैया अगर इन दोनों बाइक में क्या कंपैरिजन है, 400 cc है, ये 250 है, तो क्या प्राइस है? ये 400 cc है ये, और ये 250 है। हाँ, इसमें एक्चुअली cc का तो फर्क है। हाँ, ये 2020 में V2 भी आ गई थी, ये V1 है। अच्छा, पुराना वाला मॉडल, ये वर्जन 1 है। ठीक है, और चलिए 8,000 किलोमीटर। ओके, मार्च की गाड़ी है। हाँ, 5 ईयर इंश्योरेंस के साथ है, मार्च से 5 ईयर तक इंश्योरेंस है इसकी आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और ये चलिए 3,000 किलोमीटर 2020 इवन। ये कंपनी वाली अभी पॉलिथिन भी नहीं हटाया गाड़ी का, अनयूज बाइक है, यूपी नंबर है। यूपी नंबर, मतलब यूपी नंबर काफी कम रखते हो आप लोग। लिमिटेड स्टॉक आता है, यूपी वाला कस्टमर कोई बेचने के लिए आता है। अच्छा अच्छा, हम लोग परचेज, अगर अच्छी बाइक होती तो आप लोग परचेज कर लेते हैं NCR की बाइक। ठीक है, बाकी यार मैं खड़ा हूँ मैत्री मोटर्स पर करोलबाग, अगर आपको कोई भी सेकेंड हैंड बाइक लेनी हो, तो अगर किसी को कोई भी जरूरत है, किसी को दिलवानी है, तो यार कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। ट्रस्टेड ओनर जो है ना वो यहाँ पे खड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यार वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको बाइक की कंडीशन अच्छी लगी हो, भैया के प्राइस अच्छे लगे हो, तो यार वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करना।